अब वादा करो कि दोबारा ऐसी गलती तुम कभी नहीं करोगी। ठीक है, अब जाओ। आंटी, तो आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू आंटी। बस बस, अब जाओ अंदर और अंदर जाके अपना सामान रख दो। आंटी, आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। मंगल, कल गणेश जी की पूजा है, सारी सामग्री सारी तैयारियाँ हो गई है ना? जी अम्मा, पूजा की सामग्री तैयार हो गई है। सोमिया को लग रहा था कि भाई मैं किसी तरीके से मंगल को घर से बाहर निकलवा दूंगी, लेकिन यहाँ तो प्लान ही उल्टा पड़ जाता है। हमने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पर सोमिया गैस वगैरह खुली छोड़ देती है, और उसको लगता है कि मंगल जैसी पहुंचेगी यहाँ पर तो भाई मैं घर में सब हंगामा कर दूंगी कि गैस लीक हो गई और सारे लोग मंगल के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन होता यहाँ कुछ उल्टा है। अच्छी बात है। हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, सबकी बुरी नजर से हमको बचा लो। मंगल, मोदक भी रखो। जी। चलो अदित, जल्दी करो, अक्षत को स्कूल जाने में देर हो रही है। चलो आ जाओ। मंगल की नाक वगैरह बंद हो जाती है यहाँ पर, और मंगल भाई स्टीम वगैरह लेने आती है किचन में, और अचानक से भाई एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो गैस का सिलेंडर होता है वो खुला रहता है ना, तो एकदम से ब्लास्ट होता है और सारे घर वाले भाई भागते भागते आते हैं, और यहाँ पर पहले तो सब मंगल को ढूंढते हैं। मंगल जिंदा होती है, मंगल बची होती है, उसके बच्चे उससे लिपट जाते हैं यहाँ पर, लेकिन सोमिया का यहाँ जो प्लान जिस तरीके से उसने सोचा था वो नहीं होता है। मंगल खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रही है, शाम तक आदित्य इसकी शक्ल भी नहीं दिखेगा। अरे अक्षत, जल्दी करो ना, स्कूल से लेट हो रहा है बेटा। अक्षत, जल्दी करो बेटा, क्योंकि अब मुझे जल्दी कुछ ऐसा करना है कि मुझे घर से निकालने वाली मंगल खुद निकाली जाए। अम्मा, लेकिन यहाँ पर सोमिया मौका का छोड़ने वाली है। सोमिया भाई उसी में घी में आग डाल देती है और बोलती है कि भाई तुमने गैस वगैरह खुली छोड़ दी थी और तुम्हारी वजह से सारी चीजें हुई है, और सारा इल्जाम भाई मंगल पर आ जाता है। मंगल यहाँ कहती रह जाती है मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ आदित्य तो बिल्कुल भी सुनता नहीं, और आदित्य को मौका मिल जाता है कि भाई सोमिया आज तुम खाना बनाओगी सब लोगों के लिए। अब सोमिया भाई खाना बनाने के लिए हाथ तो कर देती है, लेकिन बनाएगी कैसे, उसे बनाना तो आता नहीं। तो यहाँ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई मैं ना फूड ऑर्डर कर देती हूँ और सारे घर वालों को ये लगेगा कि मैंने खाना बनाया। यहाँ पर ऑर्डर वगैरह करके चुपचाप से वो सब मंगा लेगी किचन में और इस तरीके से शो करेगी कि वो खाना बना रही है। अब जैसे ही पे खाना वगैरह आएगा तो भाई आदित्य को खाते ही एकदम से बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ बाहर का खाना है, उसको तो ये लग रहा है कि भाई सोमिया ने बनाया है। तो यहाँ पर कुसुम और मंगल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सोमिया इतना अच्छा खाना बना सकती है। इवन यहाँ पर मंगल भी तारीफ कर देती है, लेकिन भाई इन दोनों के जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे। यहाँ पर अक्षत और ईशाना जो है उनको पसंद नहीं आ रहा भाई सोमिया का हाथ का खाना, और वो कह भी रहे बार बार कि सोमिया के तो अब ठीक हो गई है ना, तो सोमिया अब क्यों नहीं अपने घर चली जाती है। लेकिन यहाँ भाई मंगल उनको समझाती है और बोलती है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो हमारी गेस्ट है। भाई हम देखते हैं कि अचानक से के पेट में दर्द होने लगता है, और अब आती है असली बात। अब यहाँ पर मंगल के हाथ में लग जाता है बिल, जो कि भाई सोमिया ने ऑर्डर किया था, और अब समझ में आता है कि क्या चक्कर था यहाँ पर, मतलब किस तरीके से यहाँ पर उसने झूठ बोल के खाना मंगाया था और सबको पागल बनाया था कि भाई उसने बनाया है। जैसे ही वो बिल हाथ में लगेगा तो कुसुम और भाई जो मंगल होंगे ना बहुत गुस्सा करने लगेंगे, और यहाँ पर मंगल उससे पूछेगी भी कि भाई ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपने खाना बाहर से मंगाया, आपको पता है ना कि ईशाना को बिल्कुल सूट नहीं करता, और देखिए ना उसकी हालत किस तरह की हो रही है। तो यहाँ पर भाई आदित्य भी अब कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्लान सोमे का क्या होता है, क्योंकि ये वाला प्लान तो उसका फ्लॉप हो गया।